नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषा में ट्रक आ मोटरसाइकिलक दुर्घटना, 3 गोटेक मृत्यु। सरलाही में आग लगी, 15 लाख बराबर की क्षति। लोसपा एमाले संग दू आ जसपा संग दू स्थानीय तह करत, कुल 4 स्थानीय तह में तालमेल कलक। ललितपुर महानगर पालिका में उपमेयर के उम्मीदवार मंजिली साक के विरुद्ध उजूरी। आ जिम्बाब्वे के ए टोली संग खेल वाला राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के आई फिटनेस परीक्षण कैल गेल। आप समाचार विस्तार से। धनुषा के क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका में भेल दुर्घटना में 3 गोटे के मृत्यु भेल। धनुषा प्रहरी के अनुसार क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड 5 स्थित भीतरी सड़क में रोक कर राखल ट्रक में 3 यात्रु सवार मोटरसाइकिल ठकरेला से दुर्घटना भेल आ 3 गोटे के मृत्यु भेल। मृतक में से जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड 4 के 20 वर्षक सुमित भिंडेवाल के मात्रे शनाख्त भेल। मृतक 3 गोटे के सब के पोस्टमार्टम के लेल जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल आनल गेल। प्रहरी जानकारी देलक अछि, ट्रक आ ओकर चालक के नियंत्रण में लक थप अनुसंधान भ रहल अछि। सरलाही के मलंगवा नगर पालिका वार्ड 10 स्थित एक घर में आग लगी भेला से 15 लाख बराबर के क्षति भेल। नेपाली कांग्रेस के नेता जयप्रकाश मल्लिक के घर में मंगल दिन भोरे 4 बजे के समय में भेल आग लगी में अन्न लत्ता कपड़ा आ गर गहना जर कर 15 लाख मूल्य बराबर के क्षति भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढ़ाथो के जानकारी देलन। विद्युत शॉर्ट भेला से घर में आग लगी भेल प्रारंभिक अनुमान देखल गेला से ओहि घटना के संबंध में थप अनुसंधान भ रहल बताओल गेल। घर में सुति रहल समय आग लगी भेला से पैघ क्षति भेल पीड़ित मल्लिक बतौलन। पड़ोसी सब के कहला बाद घर में आग लागल मल्लिक के परिवार के पता लागल छल। स्थानीय वासी मिलकर आग नियंत्रण में लेने छल। महंत ठाकुर नेतृत्वक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेकपा एमाले आ जनता समाजवादी पार्टी संग चुनावी तालमेल कलक। एमाले संग दू आ जसपा संग दू स्थानीय तह कह कुल 4 स्थानीय तह में लोसपा तालमेल कलक। बाकी स्थानीय तह में लोसपा एकल उम्मीदवारी दिलक। महोत्तरी के बर्दीवास नगर पालिका आ बीरगंज महानगर पालिका में एमाले संग तालमेल भेल लोसपा के नेता केशव झा जानकारी देलन। बर्दीवास नगर पालिका में मेयर एमाले के द कह उपमेयर लोसपा लेलक। तहिना बीरगंज महानगर में मेयर एमाले आ उपमेयर लोसपा लेलक। नेता झा के अनुसार जनता समाजवादी पार्टी आ लोसपा बीच 2 स्थानीय तह में तालमेल भेल। जै में कैलाली के कैलारी गांव पालिका में अध्यक्ष लोसपा आ उपाध्यक्ष जसपा के भेटल। कंचनपुर बेलौरी नगर पालिका के मेयर में लोसपा के उम्मीदवार मेयर भेल त उपमेयर जसपा पौलक। लोसपा देश भर में कुल 180 स्थानीय तह में उम्मीदवारी दिलक। नेकपा एमाले के अध्यक्ष के पी ओली नेपाली कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के गाली गलौज के पुलिंदा रहल बतौलने। मंगल दिन सानेपा स्थित मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान में मनमोहन अधिकारी के 23वां स्मृति दिवस में बजट अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में गाली गलौज मात्र कैल गेल बतौलन। ओ नेपाली कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में नेकपा एमाले के बेइज्जत केने, राष्ट्रपति ऊपर आरोप लगौने आ एमाले के राजनीतिक दस्तावेज चुरौने आरोप लगौलन। अध्यक्ष ओली 2062-63 में संघे आंदोलन में उतरल नेपाली कांग्रेस के ठीक नहीं भेलाई के कारण से ई समय आल बतौलन। ओ पार्टी के घोषणा पत्र में सभ्यता शिष्टता मर्यादा के बात नहीं रहल आ नेकपा एमाले के घोषणा पत्र आगा बढ़ाओल गेल आरोप लगौलन। वहां सांसद है। इस आंदोलन का स्थापना को संदर्भ में योगदान करने यद्यपि मनमोहन अधिकारी हमें संस्थापक छन तर वहां संस्थापक नेता नहीं हो। मनमोहन अधिकारी पार्टी स्थापना होता त्यस कारण उहाँहरूले मलाई त्यस बेला नै संस्थापक भनेर मान्नुभएको थियो। किनभने मेरो हिस्ट्री
त्योभन्दा अगाडि देखेकै थियो। त्यस्तै मनमोहन अधिकारीजीको हिस्ट्री नेपालमा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मात्रै होइन पायोनियर कम्युनिस्ट आदि कम्युनिस्ट। अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग देश विकास गरके कोनो एजेन्डा नै रहल आरोप लगौलनि। सुशासन वा शासन केना सञ्चालन गर विषयमे प्रधानमन्त्रीसँग कोनो योजना नै रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली नेपाली कङ्ग्रेस एकन गठबन्धन नामके सरल चीजके भरमे रहल बतौलनि। ओ गठबन्धन नामके सैर चुकल लाठीसँ स्थानीय निर्वाचनमे आगाँ नै बढि सकबाक बतौलनि। सूर्यबहादुर थापा, विश्वबन्धु थापा, अनेक नेताहरू राजासँग भित्रभित्र मिलेका थिए र उनीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीको त माथि कङ्ग्रेस पार्टीको इतिहास हो। कङ्ग्रेसले त्यो दिन भोग्नै परेन किन ऊ त प्रतिबन्धित अवस्थामा भनेको त पञ्चायतकालमा हो, त्यही पनि प्रनेका लेखेपछि काम गर्न पाइने अवस्थामा थियो कङ्ग्रेस, प्र लेखेपछि काम गर्न पाइने प्रति। अध्यक्ष ओली नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी नै भएको भर्ती केन्द्र रहल दावी कयलनि। चुनावी घोषणा पत्र निकाल नै सकवला पार्टी नै हैत तर्क कयलनि अछि। अध्यक्ष ओली नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के फाटोवादी चोइटोवादी के आरोप लगौलनि। ओ धरफरा कऽ घोषणा पत्र निकालने समाजवादी के घोषणा पत्र में कोनो तुक नै रहल दावी कयलनि अछि। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल 70% से बेसी नया मतदाता सब अपन पार्टी के पक्ष में ठाड़ हेबाक दावी कयलनि अछि। महासचिव पोखरेल पार्टी अध्यक्ष केपी ओली के राष्ट्र निर्माण के विजन से बहुत नया मतदाता सब अपन पार्टी के पक्ष में ठाड़ होब के अवस्था आयल तर्क कयलनि। स्थानीय तह निर्वाचन के केंद्रित भ कऽ पार्टी के संपर्क समन्वय कमिटी मंगल दिन काठमांडू में आयोजन कयने कार्यक्रम में बजैत ओ ओली के राष्ट्र निर्माण के विजन सक कारण नया मतदाता सब आई लव यू केपी वा कहने प्रशंसा कयलनि। आबयवला दिनमे स्थानीय निर्वाचन सहितके तीनू तहके निर्वाचनसँ अपन पार्टी सरकार बनेबाक समेत महासचिव पोखरेल दावी कयलनि। 35-36 लाख नयाँ मतदाताहरू थपिएका छन्। नयाँ मतदाताहरूका बिचमा एउटा सर्वेक्षण गऱ्यौँ हामीले र त्यो सर्वेक्षणको नतिजा के आयो त भन्दाखेरि नयाँ मतदातामा करिब 66% 70% नयाँ मतदाताहरू नेकपा एमालेप्रति झुप्काव राख्ने मतदाताका रूपमा प्रकट भएका छन्। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी अध्यक्षले राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा जुन प्रकारका भिजनहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसले सबभन्दा धेरै कसलाई छोएको छ भन्दाखेरि नयाँ मतदाताहरूलाई छोएको छ। आई लभ यु केपी बा भन्ने कुरा त्यसै प्रकट भएको भावना होइन, राष्ट्र निर्माणको भावनाका रूपमा हाम्रो अध्यक्षमाथिको सम्मानका रूपमा प्रकट भएको छ भन्ने कुरालाई। महासचिव पोखरेल सत्तारूढ कङ्ग्रेस अपन पार्टीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर नै सकल अवस्थामा पहुँचल दावी कयलनि। कङ्ग्रेस सहितके सत्तारूढ दलसब अपन पार्टीसँग अकेले चुनाव लडके हिम्मत नै कऽ सकल हुनक तर्क अछि। महासचिव पोखरेल स्थानीय तह निर्वाचनके चुनावमे सत्तारूढ दलसब एमालेसँग हारके डरसँ चुनावी गठबन्धन केने कहैत एमाले देशके सबसँ पैघ शक्तिके रूपमे स्थापित हेबाक बेर बेर दोहोरौलनि। पार्टी भन्ने नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू आउने भएको कारणले नेकपा एमालेसँग आज प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ र उसलाई प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि अरू कसैको सहारा खोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। अब नेपालमा सबभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमाले अगाडि आएको छ भन्ने कुरा यो निर्वाचनले स्थापित गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर महासचिव पोखरेल नेपालके राजनीतिक इतिहासमे सबसँ बेसी विधि या प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्नेवाला नेताके रूपमे माधव नेपाल रहल टिप्पणी कयलनि। नेपाली कङ्ग्रेसके प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत नेकपा एमालेके अध्यक्ष केपी ओली निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन केने कहैत निर्वाचन आयोगके ध्यान आकर्षण गरौलनि अछि। मंगल दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमे नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय प्रचार प्रसार सांस्कृतिक समन्वय उपसमिति आयोजना केने कङ्ग्रेसे चाहिँ नामक गीत विमोचन समारोहमे बजैत प्रवक्ता महत एमाले अध्यक्ष ओली निर्वाचन आचार संहिताके धज्जी उडाउने आरोप लगौलनि। ओली कङ्ग्रेसके घोषणा पत्रके लऽ कऽ आपत्तिजनक शब्द प्रयोग केने कहैत खेद प्रकट कयलनि। ओली शब्द प्रयोग करैत काल
निर्वाचन आयोग ध्यान नै दिने कहेत प्रवक्ता महत ओली के अभिव्यक्ति प्रति निर्वाचन आयोग के ध्यान आकर्षण करौलेन। आचार संहितालाई धज्जी उडाएर आफू खुशी मन लागी अत्यन्त तल्लो स्तरबाट जसरी चाहिँ कुराकानी आइराख्या छ स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्रीको मुखबाट जस्ता किसिमको शब्द केही समय अगाडि उहाँले बोल्ने क्रममा र यो घोषणा पत्रलाई लिएर हाम्रो पार्टीलाई लिएर जस्ता शब्द चाहिँ प्रयोग भएको छ त्यो अत्यन्त खेदजनक छ र यो निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा हामी गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले एमाले अध्यक्ष ओली मंगल दिन एक कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के घोषणा पत्र के अगर विभिन्न टिप्पणी केने छला। प्रवक्ता महत ओली के ओ टिप्पणी प्रति असंतुष्टि व्यक्त कलने। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र के प्रमुख सचेतक देव गुरुंग सत्तारूढ़ दल सब स्थानीय तो निर्वाचन के लिए अपना खुशी देने उम्मीदवारी हटाव सब जगह पहल भ रहा बतौलन। सत्तारूढ़ दल सब बीच सहमति विपरीत स्थानीय तह निर्वाचन में उम्मीदवारी मनोनयन भेलू ले करत प्रमुख सचेतक गुरुंग ओकरा हटाव सकभर पहल प्रयास भ रहा बतौलन। ओ मनोनयन परल सब से सहमति में उम्मीदवार कायम कर सत्तारूढ़ दल सब सहमति नहीं भेलो पर एमाले प्रति संकेत करत प्रतिगमनकारी संविधान विरोधी शक्ति के हावी होब नहीं देव अपना सब सचेत रह बतौलन। संवाद डबली मंगल दिन काठमांडू में आयोजना के एक कार्यक्रम में बजे प्रमुख सचेतक गुरुंग एमाले प्रतिगमनकारी पश्चिगमनकारी कदम चलला से ओकरा रोक यथास्थितिवादी कांग्रेस संग गठबंधन बनाब परल तर्क कलन। संदर्भ में चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ सहकार्य गर्ने गठबन्धन गर्ने भनेर भनेको छ त्यो पनि लगभग धेरै सो जिल्लाहरूमा चाहिँ धेरै सो जिल्लाका पालिकाहरूमा चाहिँ त्यो पनि सहमति भएर त्यो अनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने मनोनयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भलै कतिपय ठाउँहरूमा असहमति हुने दाबी विरोध हुने भए तापनि चाहिँ मोरली त्यो स्तरमा पनि गइरहेको छ। अब वडा स्तरको सहकार्य गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ अब समयको चाप सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सबै वडामा सहकार्य गरेर चाहिँ के अरे मतलब कम्प्लिट भइसकेको छैन चाहिँ त्यस कारणले वडा स्तरको सहकार्यहरूको सन्दर्भमा यो नाम फिर्ता लिने समय अवधिसम्म भए पनि चाहिँ 15-16 गतिसम्म भए पनि चाहिँ शीघ्र रूपमा चाहिँ संवाद छलफल गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ वडा स्तरमा पनि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सहकार्य पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामी त्यो प्रमुख सचेतक गुरुङ केपी ओली नेतृत्वको सरकार 3.5 वर्षको अपन कार्यकालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नै केलाकै कारण देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्नला आरोप लगलन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नै भेलासँग देशमा आयातित वस्तु सबमा लगानी गर्न बाध्य होब परल अवस्था स्पष्ट कलन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउने सिर्जना सिंहकै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवा जितके लेल अग्रिम शुभकामना दिलिने छ। वैशाख 30 गते होवला स्थानीय तह निर्वाचन में काठमांडू महानगरपालिका के गठबंधन के तरफ से मेयर में उम्मीदवारी देने सिंह के राणा जीत के लेल अग्रिम शुभकामना दिलिन। काठमांडू में आयोजित महिला भेटघाट कार्यक्रम में उपस्थित भकर राणा सिंह के महानगर में मेयर पद के लेल अग्रिम बधाई ज्ञापन कलिन। वही क्रम में राणा महिला नेतृत्व से आब महानगर के विकास हैत बतौलन। कार्यक्रम में काठमांडू महानगरपालिका के उपमेयर हरिप्रभा खड़की आब महिलाएं से विकास संभव रहल बतौलन। देखी सकूँ हरिप्रभा खड़की श्रेष्ठ भाड़ है म उप प्रमुख होने गाखे के गए कसो गए भारत प्रस्तुत रूप में तो मीडिया ने देखाई राखेक देखाई सकते महिला सशक्त रूप में अगड़ी बढ़ाने पड़ने अब आवश्यकता अब महिला को युग चाहे सुरुआत भो भाई काठमाडौँ महानगरपालिका नई सुरुआत होस कारण मई अब काठमाडौँ महानगरपालिका बनाने को निमित्त हमी एकजुट भर आज तब यहाँ आने भाई थुप्रे एकदि 32 का महिला सशक्त रूप में अगड़ी बढ़े तो भाई ये सुरुआत हो ये खुशी को कुरा हो अब महिलाहरू अगाडि बढेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका पक्कै बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा दृढ विश्वासका साथ नगरवासीहरूका हाम्रा काठमाडौँको सब वार्डकै महिला सब आइए कार्यक्रम आयोजना गरेर काठमाडौँ महानगरकै नेतृत्वकै लेल उम्मेदवारी दिने सिंहकै अग्रिम जितकै शुभकामना प्रकट कलिने छ। मेयरकै उम्मेदवार सिंह नेता प्रकाश मान सिंहकै धर्मपत्नी रहलिए छ। ललितपुर महानगरपालिकामा उपमेयरमा एमालेकै तर्फसँग उम्मेदवारी दिने मञ्जली साक्य विरुद्ध उजुरी परल छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में उनका विरुद्ध उजुरी परल मुख्य निर्वाचन अधिकृत किरण प्रसाद शिवकोटी जानकारी दलन। बंद सूची में साक्य के नाम भेला से
हुनका विरुद्ध उजुरी परल मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिवकोटी बतौलन। निर्वाचन आयोग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत उम्मेदवारी देव चाहने व्यक्ति समानुपातिक के बंद सूची से हटाव अनुरोध केने छल। ओहि के लेल बैसाख 10 गते धर के समय तोकल गेल छल। तहिना एक गोटे सदस्य विरुद्ध सेहो उजुरी परल अछि। माओवादी पृष्ठभूमि से आयल शाक्य नेता राम बहादुर थापा निकट रहला अछि। एमाले आ माओवादी मिलकर बनल नेकपा अदालत के आदेश बाद विभाजित भेला पर ओ एमाले में गेल छल। सिंधुली के कमला माई नगर पालिका में उपमेयर में नेकपा माओवादी केन्द्र के उम्मीदवार दीर्घराज श्रेष्ठ के मनोनयन दर्ताए नहीं भेल अछि। निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय श्रेष्ठ के नाम समानुपातिक प्रणाली के बंद सूची में रहला से मनोनयन दर्ता होब नहीं सकल जानकारी देलक अछि। श्रेष्ठ कमला माई नगर पालिका के उपमेयर में सोम दिन मनोनयन दर्ता कर विवरण पेश केने छला, लेकिन समानुपातिक सूची में नाम रहला कहत निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय हुनकर मनोनयन होब नहीं सकल जानकारी देलक अछि। 95वें राष्ट्रीय फोटो पत्रकारिता दिवस के अवसर में नेपाल फोटो पत्रकार सब के संस्था सब फोटो प्रदर्शनी कलक। मंगल दिन बसवंतपुर में पीजे क्लब आ नेपाल फोटो पत्रकार मंच खुला फोटो प्रदर्शनी कलक। प्रदर्शनी में फोटो पत्रकार सब पत्रकारिता करत काल भोगने दुख आ जोखिम सब के अभिव्यक्त कर किस्म के 30 फोटो सब राखल गेल। प्रदर्शनी आई एक दिन धरि चलल। नेपाल फोटो पत्रकार क्लब पीजे क्लब के अध्यक्ष श्रुति श्रेष्ठ बतौलने प्रदर्शनी में फोटो पत्रकार सब काज कर क्रम में कतेक के जोखिम संघर्ष आ चुनौती ल के काज कर रहल देखाव जका फोटो सब प्रदर्शनी कयल गेल जानकारी देलनि। फोटो जर्नलिज्म थ्रू द लेंस भनी छ, अर्थात के त लेन्सबाट फोटो पत्रकारिता भन्ने थिममा गरेको छौँ। अब फोटो जर्नलिस्टले फिल्डमा कतिको जोखिम सङ्घर्ष चुनौतीहरू मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा देखाउने हिसाबले चाहिँ हामीले फोटो एक्जिबिसन गरेको हो। तर अब थिम चाहिँ के अरे एउटा राम्रो फोटो खिच्नको लागि फोटो पत्रकारले कतिको मिहिनेत गर्नुपर्छ, कतिको जोखिम मोल्नुपर्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ फोटोको थ्रुबाट चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई देखाउँ भन्ने एउटा थिमको आधारमा चाहिँ हामीले यो फोटो एक्जिबिसन गरेको हौँ। 95वें राष्ट्रीय फोटो पत्रकारिता दिवस के अवसर में बसंतपुरे में राष्ट्रीय फोटो पत्रकार समूह नेपाल से हो नेपाल इन लॉकडाउन नाम देल गेल फोटो प्रदर्शनी कलक। ओ प्रदर्शनी में COVID-19 महामारी के कारण भेल लॉकडाउन के समय में खींचल गेल फोटो सब प्रदर्शन कयल गेल। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट में आय में कर छूट के सीमा व्यक्ति के लेल 7 लाख आ दंपत्ति के लेल 8 लाख बनाव उद्योगी व्यवसायी सब मांग कलक। मंगल दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 के बजट से पहिने विमर्श करैत सरकार संग आर्थिक वर्ष 79-80 के बजट में आय में कर छूट के सीमा व्यक्ति के लेल 7 लाख दंपत्ति के लेल 8 लाख बनाव उद्योगी व्यवसायी सब मांग कलक। उक्त छलफल में महासंघ के कर तथा राजस्व समिति के सभापति संदीप अग्रवाल आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 के बजट में आय में कर छूट के सीमा व्यक्ति के लेल 7 लाख आ दंपत्ति के लेल 8 लाख बनाब मांग कलन। सरकार रेमिटेंस पठाव वाला के इंसेंटिव देव पड़त आ पासपोर्ट बनबैत काल लागे वाला खर्च घटाब के सेहो जिक्र कलन। सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सर्वप्रथम त प्रेजेन्टेसनका लागि अनुरोध गर्दछु। तहिना महासंघ के उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ एहि वर्ष के बजट में सरकार निजी क्षेत्र के मुख्य प्राथमिकता में राखि के बजट निर्माण कर पड़त बतौलने। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पूंजी निर्माण में 77% हिस्सा निजी क्षेत्र के रहला से आगामी बजट निजी क्षेत्र मैत्री होब के मांग कलन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ देश के अर्थतंत्र चुनौतीपूर्ण अवस्था में रहल बतौलने। मंगल दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट से पहिने के विमर्श कार्यक्रम में बजट उपाध्यक्ष श्रेष्ठ देश के अर्थतंत्र चुनौतीपूर्ण अवस्था में रहल बतौलन। अर्थतंत्र के वर्तमान चुनौती के समाधान सरकार के आगामी बजट मार्फत कर सक पड़त बतौलन। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ एखुनका अर्थतंत्र के चुनौती समस्या समाधान उत्पादन आ उत्पादकत्व बढ़ावा भेल बतौलन। विदेशी मुद्रा सिंचित कम भेल कहत किछ वस्तु के आयात प्रतिबंध केने लेकिन आयात प्रतिस्थापन कर सरकार किछ कदम नहीं लेने ओ बतौलन। आज यति चुनौतीपूर्ण घडी भएको छ तपाईँको, अहिले चाहिँ अब आत्मनिर्भर हुनु छ, हामी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ भनेर भनेका छौँ। निर्यात त कति वस्तुमा हामीले अहिले बन्देज लगायौँ, तर आन्तरिक उत्पादन बढाउन हामीले के गर्यौँ, त के घोषणा गर्यौँ। हुन त हाम्रो
हाम्रो अगाडि अवसरको रूपमा बजेको छ। समय प्राथमिक उत्पादन भनौँ न कृषि वन पैदावार र उपाध्यक्ष श्रेष्ठ राज्य उद्योग के प्रोत्साहन देव परत कह के बेर बेर कहने पर एहन व्यवहार में लागू होब नहीं सकल बतौलन। स्वदेशी उत्पादित जूत्ता के प्रयोग बढ़ावा के लिए कहे जूत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला 2079 शुरू भेल बैसाख 15 गते से जेठ 8 गते धर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल जूत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में कर जा रहा है। फुटवेयर मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन आयोजन करते स्वदेशी उत्पादित जूत्ता के प्रयोग बढ़ावा के लिए तथा जूत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन कर के लिए मेला के आयोजन कर जा रहा जानकारी दिल्क। पत्रकार सम्मेलन में फुटवेयर अध्यक्ष नानी राज घिमिरे एखन बाजार बैंकिंग तरलता अभाव तथा अर्थतंत्र में संकट देखल गया से अर्थतंत्र सुधार कर सहयोग पहुँच अपेक्षा व्यापार मेला आयोजन कैल गया बतौलन। विभिन्न चीजहरू किन्न सक्ने पैसा नभइरहेको अवस्था युक्रेन र रुसको त्यो सँगसँगै युक्रेन र रुसको युद्धका कारणले यहाँ फुटवेयरलाई बन्ने र मेटेरियल्सको पनि र मेटेरियल्सहरू सहज रूपमा उपलब्ध नभइरहेको अवस्था कोभिड र यो युक्रेन रुस युद्धका कारणले विश्वव्यापी नै 30-35-40% भन्दा बढी महँगी बढिराखेको अवस्था त्यो सबै त्यति अवस्थाका कारणले राज्य संयन्त्रले एका दुई नीतिगत रूपमा राम्रा काम फुटवेयरको पक्षमा काम गरिरहँदाखेरि पनि हाम्रा केही मेलामै नेपालमै उत्पादित जुत्ता चप्पल तथा छालाजन्य वस्तु आ स्वदेशी तयार कयल गेल जुत्ता चप्पल महिला पुरुष आ बाल बच्चा सबके 50% छूटके साथ 30 से बेसी कंपनी के जुत्ता एक जगह भेटत। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा अंतर्गत के राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याणकारी कोष विभिन्न खेल के खिलाड़ी के स्वास्थ्य उपचार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कलक। मंगल दिन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ एक कार्यक्रम के आयोजन करत कोष मंगल दिन 6 गोटे खिलाड़ी के स्वास्थ्य उपचार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कलक। आर्थिक सहयोग पावला में वॉलीबॉल खिलाड़ी रिया कुंवर, ITF तेक्वांदो के दीपक गौतम, कराते के कोपिला बिष्ट, बैडमिंटन के सीमा राजवंशी, कराते के विष्णु नेपाली आ एथलेटिक्स के जीत बहादुर केसी रहल। कोष ठेहुन में चोट लग के उपचार करा रहल रिया के 63,929 रुपया, सालजर चोट भेल दीपक के 87,914 रुपया आ ठेहुन में चोट लागल कोपिला के 75,000 रुपया लगात सहयोग कलक। जिम्बाब्वे के ए टोली संग खेल वाला राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के आई मंगल दिन फिटनेस परीक्षण कैल गेल। नेपाल क्रिकेट संघ कैन जिम्बाब्वे विरुद्ध हो वाला एक दिवसीय आ T20 क्रिकेट के लिए 23 सदस्यीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के घोषणा कने संगे टोली के बंद प्रशिक्षण शुरू भेल फिटनेस परीक्षण कलक। टोली मंगल दिन त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में सामान्य फिटनेस के वर्कआउट कलक। यद्यपि श्रृंखला के लिए टोली बुध दिन अभ्यास शुरू करत। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में आयोजन हो वाला श्रृंखला में कैन अबेर संदीप लामिछाने के कप्तानी में दीपेन सिंगेरी, कुशल भुरतेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, विनोद भंडारी, करण केसी, सोमपाल कामी, देव खनाल, किशोर महतो, अदिल अंसारी, भीम सारकी, सुसन भारी, पवन सर्राफ, अविनाश बोहरा, बशीर अहमद, लोकेश बम, विवेक यादव, साहब आलम, सागर ढकाल, विक्रम सो आ सुनील धमला के समेट कर टोली घोषणा कलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनुषा में ट्रक आ मोटरसाइकिलक दुर्घटना 3 गोटे के मृत्यु। सरलाही में आगि लगी 15 लाख बराबर के क्षति। लोसपा एमाले संग 2 आ जसपा संग 2 स्थानीय तह करत कुल 4 स्थानीय तह में तालमेल कलक। ललितपुर महानगर पालिका में उपमेयर में एमाले से उम्मीदवारी देने मंजली साक के विरुद्ध उजूरी। आ जिम्बाब्वे के ए टोली संग खेल वाला राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के आई फिटनेस परीक्षण कल गया। बेस्ता अपन न्यूज एखन ला एतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।